ये हमारा चर्च, ये यहाँ पर ये लिंकटन कंप्लीट हो गया है पूरा, खिड़की का शेप मोमो बना के आपके सामने रेडी कर दिया है। तो बताइए कौन है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। हस्बैंड वाइफ ब्लॉग्स में दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आ चुके हैं हम। और आज का ब्लॉग सुबह के 10:30 बज चुके हैं और लेट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रहा था, काम में थोड़ा बिजी हो गया था। घर से फोन आया, फोन में भी बहुत बात हो रहा था, फिर सब्जी मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ करने के बाद। और आज सुबह का जो पीटी था मेरा बहुत जबरदस्त हुआ। मेरा अभी घुटना दर्द हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेशर ज्यादा पड़ गया, दर्द हो रहा, बहुत ज्यादा रनिंग हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च, सबसे पहले जाएंगे चर्च क्योंकि चर्च में हमारा काम हो रहा है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम हो रहा है, वहां पर थोड़ा हेल्प करेंगे और उसके बाद जाएंगे साइड में और साइड में देखेंगे कि आज क्या काम हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और लक्की जाएगी ऑफिस, खाना वाना बना लिया है लक्की ने और लक्की जाए ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है और मैं जा रहा हूँ चर्च। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर से शुरू करते हैं और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले चर्च, ब्लॉग को शुरू करें। बाइक का चाबी, चलो माइलो। गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग बोल दे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं चर्च और ये है हमारा चर्च, देख सकते हैं। बहुत सारा काम हुआ है तब जाके इतना अच्छा बना, सुंदर ये स्पेस, खाली स्पेस। कोई प्रोग्राम होगा तो आगे कर सकते हैं। तो ये है हमारा चर्च और इधर मेन चर्च है और इधर राइट साइड में आपका छोटा सा पहले का जो चर्च है हम लोग का, तो इधर है। तो अभी काम चल रहा है, तो इधर साइकिल स्टैंड बनाया है इधर, और इधर ये छोटा सा किचन है, ये मेन किचन है, और इस तरफ ये जो है ये हम लोग का पहले का चर्च है, छोटा था तो उसके बाद वहाँ पर शिफ्ट किया, बड़ा किया। तो अभी ऊपर छत में काम हो रहा है, अंदर भी काम हो रहा है, ऊपर से थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है अंदर। और इधर हमारा जोएल भाई, जय मसी, विशाल भाई, जय मसी, बिजमदा, ओ बिजमदा जय मसी भन्दिनु, जय मसी, ए यतिकै फाले देऊ ए भाई। यो सिलिङ डल्लै चेन्ज हुन्छ बिजमदा, सिलिङ मा ज्यादा चेन्ज हुन्छ, ज्यादा चेन्ज, ज्यादा चादर पूरा चेंज होगा, पुराना हो गया चादर, पानी चूता है यहाँ से, तो इसीलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर संडे स्कूल का मतलब सेवा होता है, संडे को बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊंगा एक दिन संडे का सेवा जो हम लोग अब बच्चे लोग गाते हैं। जल भाई कुछ बोलना है? बोलना तो क्या है यार, आप इतना समय निकल के आया प्रभु के घर में। वो बात तो जरूर है। हाँ। ये अभी चादर जो चेंज हो रहा है। हाँ। ये बहुत साल के बाद हो रहा है। हाँ। मतलब असंभव ही हुआ था। हाँ। कि ये चेंज होगा करके, लेकिन प्रभु का दया से आज जाके मौका मिला ये चेंज होने को। हाँ। तो आज उतरेगा तो नया चढ़ेगा, ठीक, बस इतना कहना है। प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग काम के लिए। बहुत बढ़िया, आप आया इधर और आना ही बहुत बड़ा बात है प्रभु के घर में। तो ये इस तरफ लेडीज टॉयलेट बाथरूम है और ये हम लोग का पानी रिजर्व करके रखा हुआ है। यही है हमारा छोटा सा चर्च, अभी थोड़ा काम करेंगे उसके बाद यहाँ से जाएंगे। और इधर हमारा निर्मला भाउजू है, जेमी सी भाउजू। भाभी चाय बना रही है हमारे सबके लिए, तो निर्मला भाभी जो है एकदम यहाँ का है, एकदम इनके ऊपर पूरा पूरा दायित्व है उनके ऊपर पूरा, है ना। ये है आपका सामान जो सैटरडे को जो सेवा होता है उसमें पूरा यूज होता है, ये सब सामान, चूल्हा वगैरह, बाल्टी वगैरह सब। ये यहाँ पर ये लिंकटन कंप्लीट हो गया है पूरा, खिड़की का शेप निकल गया है, तो इसको अभी नहीं खोलेगा, ये डिज़ाइन है खिड़की का, ये और कुछ दिन रखा जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ और 2 फीट तक उठा है और उसके बाद
इसके ऊपर ढलाई का काम होगा। तो चलिए अभी क्या काम हो रहा है देख लेते हैं। खबर देखिए कपड़ सुखाबी तो ऊपर कपड़ सुखाबी। तो ये अभी इस तरफ ये वाला रूम का आपका ऊपर का हो गया है, तो अभी इसके ऊपर ही ढलाई का काम होगा। ये ऊपर हाइट लगभग 10 फीट रहेगा घर का, 9.5-10 फीट रहेगा घर का जो हाइट रहेगा रूम का। तो लिंटन कंप्लीट हो चुका है देख लीजिए, ये लिंटन है और ये डिजाइन अभी खोला नहीं है। या अखुन की होच्छे बार सब बनी रखो। अच्छा तो ये है अभी अभी तक का अपडेट। अभी दिन फिर गर्मी शुरू हो गया है, कुछ दिन पहले बारिश हुआ था तो थोड़ा डर हो गया था, अभी तो बारिश शुरू हो गया है अभी ठीक है सब। तो अभी आगे का काम का तैयारी हो रहा है सब इधर। अभी कुछ दिनों में फिर ऊपर रॉड बुनाई होगा और ऊपर ढलाई होगा, तो इसीलिए ये पूरा काम चल रहा है। ये देखिए ये पूरा इधर हो चुका, वो डिज़ाइन वगैरह खुला नहीं है, खुलेगा बाद में खिड़की का डिज़ाइन। तो अभी मेरा जो ये चिप्स है ये ख़त्म हो गया है, तो अभी जाकर बात किया तो वो मेरे को अभी रेट बताएगा, उसके बाद चिप्स सप्लाई देगा। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स अभी रात के 9:15 बज रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हो गया ड्यूटी के कारण और लक्की को खाना था डोसा। तो अभी डोसा मिलेगा या नहीं, तो आज का डिनर हम लोग बाहर ही करेंगे। तो बाहर मतलब ये ही थोड़ा मोमो। ए वॉलेट पर्स मेरा पर्स लाना भूल जाता हूँ। सो फ्रेंड्स कहानी में ट्विस्ट आ गया है। हम लोग गए थे यहाँ से नोर्फिंग हमारे एरिया के पास, तो दुकान सब बंद था, तो फिर अचानक लकी ने बोला कि नहीं मैंने सब रेडी करके रखा, हम मोमो खाएंगे घर में ही खाएंगे। तो अभी हम लोग वापस आ गए घर और लकी अभी बनाएगी मोमो। तो मतलब कोई ये नहीं है, मतलब मैंने उसको ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े इसीलिए मैंने कहा था कि चलो बाहर ही खा लेते, लेकिन अभी जा रहे थे रास्ते में तो देखा मोमो दुकान वकान बंद था। फिर क्या पता अब 9:30 हो गया है, अब प्रेम बाजार के भी कोई भरोसा नहीं। और लेकिन मेन बात यह है कि लकी को मोमो खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए घर में उसने मैदा का डो भी बना के रखा हुआ है और भी कुछ करके रखा हुआ होगा, तो इसीलिए मतलब रास्ते में बोली कि नहीं घर चलो मैं मोमो बनाऊंगी। तो अभी चलिए चलते हैं, अभी लकी मोमो बनाएगी, मोमो ही खाना पड़ेगा अभी वेज मोमो। देखिए रेडी सब करके रखी थी ये लड़की, बहुत चालाक है। अभी बन जाएगा, बहुत झटपट झटपट बनाएगी लकी, तेज है ये लड़की बहुत तेज है। तो देखिए देखिए इतना जल्दी बन गया हमारा मोमो। और अभी देखिए सिर्फ 10:30 बजा है, एक घंटे के अंदर लकी ने मोमो बना के आपके सामने रेडी कर दिया है। तो बताइए कौन है, कौन है इतना फास्ट, कोई है एक घंटे के अंदर मेज मोमो पूरा बना के रेडी। 9:30 में तो हम लोग जा रहे थे और देखे आके 10:30 बजे से पहले, 10:30 हुआ भी नहीं अभी और भी 10 मिनट बाकी है, इतना जल्दी बन गया है मोमो। देखिए ये है वो कमाल की लड़की, मोमो का शेप देखिए बहुत बढ़िया है। देखिए वेज मोमो क्या बताए अभी आपको, खा लेते हैं पहले, खाओ ना तुम एक, बड़ा गर्म है थोड़ा ठंडा हो जाए। और अचार देखिए, चटनी एकदम झाल वाला तीखा वाला चटनी, चटनी भी इधर डाल देंगे तो क्या खाएगा रे। कमाल कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, इतना टेस्टी। बहुत बढ़िया बनाया है लकी ने, मतलब इसके अंदर का जो मसाला
जो ये किया है देखिए। पूरा बंदा गोभी, प्याज और क्या डाला लगी? सिर्फ बंदा गोभी और प्याज ना? ना टेस्टी बना है। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से अगले नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मोमो का मजा लेते हैं।